हेलो एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। तो लेक्चर को शुरू करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस या फिर इसको हम जब बोलते हैं CSMA, इसका मतलब क्या होता है। तो करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस इज़ अ टेक्निक इन विच द स्टेशन सेंसेस द मीडियम बिफोर ट्राइंग टू यूज़ इट। तो इसमें क्या होता है कि एक जो स्टेशन है, जब वो कोई डाटा या कोई पैकेट को भेजना चाहता है किसी दूसरे स्टेशन के पास, तो वो पैकेट को भेजने से पहले उस स्टेशन को एक बार सेंस करता है। उसके बाद सेंस करने के बाद अगर उसको लगता है कि जो मीडियम है वो फ्री है तो वो पैकेट भेजेगा, अगर उसे लगता है कि मीडियम फ्री नहीं है तो वो पैकेट को नहीं भेजेगा। सो दिस इज़ करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब जो करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है CSMA, इट इज़ बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट इज सेंस बिफोर ट्रांसमिट, और वी कैन से दैट देर इज अ वन प्रिंसिपल जिसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, या तो हम इसको कह सकते हैं सेंस बिफोर ट्रांसमिट, कि पहले सेंस करो और अगर आपको लगता है कि मीडियम फ्री है तो ट्रांसमिट करो, और इसको हम ये भी कह सकते हैं लिसन बिफोर टॉक। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि पहले बात तो ध्यान से सुननी चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। सो आइदर यू कैन से इट इज़ सेंस बिफोर ट्रांसमिट और यू कैन से लिसन बिफोर टॉक। सो दिस इज CSMA। बेसिकली CSMA यूज़ होता है कंजेशन के केस में, जब हम कोलिजन्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं, कोलिजन्स को अवॉइड करना चाहते हैं। नाउ CSMA रिक्वायर्स डैट ईच स्टेशन फर्स्ट लिसन टू द मीडियम बिफोर सेंडिंग द पैकेट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट CSMA के अंदर हम क्या कहते हैं कि स्टेशन पहले मीडियम को सेंस करेगा और उसके बाद ही पैकेट को भेजेगा। अब एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में कोलिजन होता कैसे है और कोलिजन होने का मतलब क्या है। सो दिस इज़ द कोलिजन मॉडल इन CSMA। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेशंस बना लेता हूँ। सपोज स्टेशन ए है, स्टेशन बी, स्टेशन सी और स्टेशन डी, ये चार स्टेशन हैं। और यहाँ पे हम सिंपल डिस्प्ले कर रहे हैं इधर टाइमलाइन। सो दिस इज द टाइमलाइन। नीचे जो पार्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं वो टाइमलाइन है। तो आई कैन से दैट दिस इज टाइम। ठीक है। सो अब देखते हैं कि कोलिजन एक्चुअल में होता कैसे है। सपोज एट टाइम T1, एट एनी टाइम T1, ए स्टार्ट सेंडिंग द पैकेट, कि टाइम T1 पे ए ने पैकेट भेजना सेंड किया। सो सबसे पहले क्या करेगा, ए सेंस करेगा कि मीडियम जो है फ्री है या नहीं, आइडियल है या नहीं है। अब क्योंकि ए जब सेंस कर रहा है तो कोई और पैकेट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो ये आइडियल है, तो ये अपना पैकेट भेजना शुरू करेगा। फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये वाला जो टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने टाइम तक बी को नहीं पता कि ए ने पैकेट भेज दिया है। तो जब बी भी सेंड्स करेगा एट टाइम T1 ओनली, बी को भी लगेगा कि ये आइडियल है, तो बी भी अपना पैकेट भेजना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखोगे कि एक कोलिजन अकर हो रहा है। सो दिस इज़ द कोलिजन। और ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि सी है, सी को भी नहीं पता कि ए ने भी पैकेट भेजा और बी ने भी, और सी अगर दोनों डायरेक्शन में पैकेट भेजता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो यहाँ पे भी एक कोलिजन होने के चांसेस हैं और यहाँ पे भी एक कोलिजन होने के चांसेस हैं। सो इस तरह से कुछ कोलिजन्स हम देखते हैं हमारे जब हम सेंस करते हैं स्टेशन को, मीडियम को, और अपने पैकेट्स को ट्रांसफर करते हैं।
सो दिस इज़ द कोलिजन मॉडल इन CSMA. सिंपल है कि एक जब पैकेट अब भेज रहा है एक स्टेशन और दूसरा स्टेशन भी अगर पैकेट भेज रहा है तो उन दोनों के कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अब इस चीज़ को हम कैसे शो करते हैं कि कोलिजन हो रहा है? सो उसको शो करने के लिए एक टर्म है दैट इज़ कॉल्ड एज वनरेबल टाइम. इट इज़ द प्रोपोगेशन टाइम TP. इसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन टाइम. सो दिस इज़ द टाइम नीडिड फॉर अ सिग्नल टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द मीडियम टू द अदर एंड. सो वनरेबल टाइम या फिर प्रोपोगेशन टाइम क्या होता है? ये वो टाइम है जो एक सिग्नल को चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए. तो जैसे इसी के केस में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि डायग्रामेटिकली आप वनरेबल टाइम को कैसे शो कर सकते हो. सो यही डायग्राम दोबारा बनाते हैं. स्टेशन 4 लेते हैं, ए बी सी एंड डी. सपोज अब यहाँ पे टाइम T1 पे ए ने पैकेट भेजना शुरू किया तो वो पैकेट ऐसे कुछ पहुँचेगा. सपोज एट टाइम TP पैकेट यहाँ पे पहुँचता है. सो अब देखो क्या होगा अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सीधी. दिस इज ऑल्सो T1 टाइम. तो ये वाला जो टाइम है बीच का दिस पर्टिकुलर एरिया ये वनरेबल टाइम है. ये जो है ये वनरेबल टाइम है क्योंकि देखो क्या होगा बी कब सेंस कर सकता है इसे. बी यहाँ पे कहीं सेंस कर सकता है. सी कहाँ सेंस कर सकता है? सी यहाँ पे कहीं सेंस कर सकता है और डी यहाँ पे सेंस कर सकता है. तो आई कैन राइट हेयर बी सेंसेस हेयर ऐसी सी सेंसेस हेयर. सो दिस इज द वनरेबल टाइम. तो अब इस डायग्राम में हमें क्या पता लग रहा है कि जो लेफ्ट मोस्ट स्टेशन था ए उसने एक फ्रेम भेजा एट टाइम T1 जो यहां पे पहुंचता है एट टाइम TP. तो जो बीच का एरिया ये वनरेबल टाइम है. दिस इज़ द वनरेबल टाइम क्योंकि अगर इस टाइम के बीच में कोई भी दूसरा स्टेशन पैकेट भेजना शुरू कर देगा तो कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. क्योंकि अब आप यहाँ पे देख सकते हो अगर बी ने इस पर्टिकुलर टाइम पे पैकेट भेजना शुरू कर देता और दोनों डायरेक्शन में अगर सपोज भेजता तो क्या होता? कुछ ऐसे होता. सो देर आर चांसेस ऑफ कोलिजन. सो इस वनरेबल टाइम में देर आर चांसेस ऑफ कोलिजन. ठीक है. सो दिस इज द वनरेबल टाइम इन CSMA. नाउ वी विल सी सम ऑफ द परसिस्टेंट मेथड्स इन CSMA. परसिस्टेंट मेथड्स क्या होते हैं? अगर हमारा चैनल आइडियल है या हमारा चैनल बिजी है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है ये इन तीन डिफरेंट मेथड्स की मदद से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. सबसे पहला है वन परसिस्टेंट मेथड. इट सेज इफ द स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडियल और द चैनल आइडियल इट सेंड्स द फ्रेम इमीडिएटली विद प्रोबेबिलिटी 1. इसका मतलब है कि अगर स्टेशन ने ये पाया कि जो मीडियम है वो आइडियल है तो वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी से फ्रेम को सेंड कर देगा इमीडिएटली. तो इसका डायग्राम हम कैसे शो कर सकते हैं? यहाँ पे चेक होता है चैनल की स्टेट. अगर चैनल आइडियल है इफ इट इज आइडियल देन सेंड द सिग्नल. अगर चैनल आइडियल है तो सिग्नल को सेंड करना है. अगर चैनल बिजी है तो सिंपल हम क्या करेंगे? हम वापस वेट करेंगे. सो दिस इज वन परसिस्टेंट मेथड.
Another is non-persistent method. It says if the line is ideal, station sends the frame immediately, जो इसमें भी था. But if the line is not ideal, it waits for a random amount of time and then senses the line again. कि अगर चैनल आइडियल है तो एकदम से भेज दो, अगर आइडियल नहीं है तो एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करो और दोबारा से चैनल को सेंस करने. सो द डायग्राम इज लाइक दिस. चैनल को सेंस तो करना ही है हमें, तो सिंपल चैनल बनाएंगे पहले. तो यहाँ पे अगर चैनल आइडियल है तो जैसे यहाँ पे था सेंड सिग्नल, और अगर चैनल आइडियल नहीं है, चैनल बिजी है, इफ द चैनल इज बिजी, तो उस केस में क्या करना है, वेट फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम. वेट फॉर रैंडम टाइम और उसके बाद दोबारा से चैनल को सेंस करना. सो दिस इज नॉन परसिस्टेंट मेथड. देन द थर्ड इज पी परसिस्टेंट मेथड. इट कंबाइंस द एडवांटेजेस ऑफ द अदर टू स्ट्रेटेजीज. जो बाकी के दोनों स्ट्रेटेजीज हैं उसका ये एडवांटेजेस को कंबाइन करता है. सो इसका पहले मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है. सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे चैनल को हम सेंस करते हैं. सबसे पहला काम है चैनल को सेंस करना. अगर चैनल आइडियल है देन वी सेंड और वी कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी आउटकम. सो एक्चुअली इट इज़ यूज टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कोलिजन एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी. इसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पी से फ्रेम को नहीं भेजते, इसमें एक प्री डिटरमाइंड प्रोबेबिलिटी लेट से पी, उसको यूज करके हम फ्रेम को सेंड करते हैं. सो लेट अस से द प्रोबेबिलिटी आउटकम हेयर इन द प्रोबेबिलिटी आउटकम इज इफ लेस देन इक्वल्स टू पी देन You can send the frame. And यहीं पे अगर ये busy है so simply हम channel को दोबारा से sense करेंगे. So this part is exactly the same. अब यहाँ पे probability outcome के case में देखते हैं कि अगर ये लेस देन इक्वल्स टू पी नहीं है, इफ से इट इज़ ग्रेटर देन पी, तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए वेट करेंगे. सो वी विल राइट वेट अ स्लॉट, एक टाइम पीरियड टाइम स्लॉट के लिए वेट करेंगे. देन अगेन वी विल सेंस द चैनल, उसके बाद चैनल को दोबारा से सेंस करेंगे, और अगर वो बिजी है चैनल तो वी विल जस्ट सिंपली डिस्कार्ड द फ्रेम. हम सिंपल डिस्कार्ड कर देंगे अपना फ्रेम क्योंकि कोलिजन हो चुका है. इसका मतलब ये है अगर वो आइडियल है चैनल तो दोबारा से ये वाला प्रोसेस हम प्रोसीड करें. सो दिस इज पी परसिस्टेंट मेथड. सो दिस इज द बेसिक ऑफ CSMA, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक एंड विल सी द कंप्लीट फ्लो डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ CSMACD, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.